हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और ये हमारा लेसन 15। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में। और ईमेल मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लोग 98% लोग ईमेल मार्केटिंग करते ही नहीं हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और यही गलती मैंने भी करी थी स्टार्टिंग के 3 साल तक। कैन यू इमेजिन, स्टार्टिंग के 3 साल तक हमने बहुत बड़ी गलती करी थी। एंड ईमेल मार्केटिंग आज हमारा कोर है, मतलब हमने ईमेल मार्केटिंग को सब कुछ बना लिया अपने बिजनेस का। क्योंकि ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और पर्सनली लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो रीच होते हैं ना, वो यूट्यूब के हाथ में, वो इंस्टाग्राम के हाथ में है, लेकिन आपकी ऑडियंस का रीच आपके हाथ में है। इसलिए ईमेल मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं क्या है ईमेल मार्केटिंग। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड। मैं बोलूँगा 90% जो मार्केटर्स है वो ईमेल मार्केटिंग को इग्नोर कर देते हैं। और मैं सच बताऊँ, ईमेल मार्केटिंग से आप कम से कम 70-80 हज़ार लाखों रुपए महीने के जनरेट कर सकते हैं। और ये पावर का मुझे जब पता लगा जब मैंने ईमेल मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उससे तीन साल बोलूँगा मैंने बिल्कुल भी ईमेल मार्केटिंग नहीं करी। हमने सोचा हमारा बड़ा यूट्यूब चैनल है, हमारे इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलोअर्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वैसे ही करेंगे, कोई ईमेल मार्केटिंग कोई नहीं खोलता है। बट एक्चुअल में रियलिटी नहीं थी। जब हमने ईमेल मार्केटिंग करना स्टार्ट किया, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट किया, लोगों से बात करनी स्टार्ट करी, आप खुद सोचो कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है, वो ईमेल पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वो ईमेल बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है, राइट? मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, आपका बिजनेस में वही लोग आएंगे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो हमेशा ईमेल पे एक्टिव रहते हैं इन कंपैरेटिव टू मोबाइल नंबर, इन कंपैरेटिव टू चैट, वो ईमेल ज़रूर खोलते ही खोलते हैं जो प्रोफेशनल लोग होता है, राइट? तो हमने इस चीज़ को बहुत इग्नोर करा 3 साल के अंदर। एंड जितना मैं यूट्यूब पैसे नहीं देता है एडसेंस के थ्रू और जितना मैं इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता, उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें ईमेल मार्केटिंग देती है। और ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई जब हमारी ईमेल मार्केटिंग से सेल्स आने लगी। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो बहुत ग्रो कर सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग बेसिकली रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए होता है जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे एक पोटेंशियल कस्टमर है या मैं सामने किसी को भी अपनी ऑडियंस को देखता हूँ, तो मैं उनको नर्चर किस तरीके से करूँगा? मैं उसको अपने ऑफिस की इंटरनल चीज़ें बताऊँगा, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, तो वहाँ से एक पर्सनल टच आएगा प्लस हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। मैं उनकी मदद करूँगा अपने ईमेल्स के थ्रू कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपकी सेल्स ग्रो हो जाए, तो मैं वो सारी चीज़ उनको देता रहूँगा। और इन फ्यूचर कभी भी मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, कुछ भी चीज़ लॉन्च करता हूँ, वो अपना इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएंगे। और हाईली चांस ये रहता है अगर आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है अपने कस्टमर्स के साथ, तो वो उसको खरीद लेते हैं। दैट्स वाई ईमेल मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि ईमेल मार्केटिंग इज़ डेड, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत तगड़ी चीज़ है। ओके, ईमेल मार्केटिंग इज़ ग्रोइंग, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि हम ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं और हमारा सीक्वेंस बड़ा अच्छा चलता है। अगर यहाँ पे ओपन रेट की बात करें तो 25% हमारा ओपन रेट रहा है। ये हमारा डेमो अकाउंट है, हमने यहाँ से पहले काफ़ी ईमेल्स भेजे हैं, अभी यहाँ पे 0-0 आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इस अकाउंट को रिफ्रेश कर दिया है, ठीक है। 58% चेक ईमेल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सबसे पहले लोग आके अपना ईमेल ही चेक करते हैं। और जब भी मैं सुबह ऑफिस के अंदर आता हूँ, सबसे पहले मैं अपना जीमेल खोलता हूँ कि क्या क्या ईमेल आया, अपनी जो प्रोफेशनल कंपनी से हमारा ईमेल है, हम सबसे पहले आके वो खोल के देखते हैं कि किसी का मेल तो नहीं आया, कोई काम तो नहीं है। तो मेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, और जितने प्रोफेशनल लोग होते हैं सब ईमेल खोलते ही खोलते हैं आके सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ईमेल मार्केटिंग $1 इन्वेस्टेड एंड गिव्स $40 इन रिटर्न। कैन यू इमेजिन, अगर आप $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब समझ लो ₹1 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ₹40 आपको रिटर्न में मिल रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग इज समथिंग विच इज आई लव ईमेल मार्केटिंग। ईमेल इज अ रेगुलर एक्टिविटी। मैं अगर आपको खोल के दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट, तो हम यहाँ पे ईमेल ही कलेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा फोकस ही है। अगर आप मेरी वेबसाइट देखोगे, यहाँ पे हमारा ये वाला प्रोडक्ट है। अगर आप ये वाला प्रोडक्ट खोलते हो, मैं आपको इनकॉग्निटो पे खोल के दिखाता हूँ, ये हमारा वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये वीडियो देखने से पहले अगर आपको ये प्रोडक्ट के बारे में जानना है, देखना है, तो यहाँ पे नेम आएगा, ईमेल आएगा और लास्ट नेम आएगा। और प्ले पे जब आप क्लिक करोगे, जब तक प्ले नहीं कर सकते, देखो मैं कहीं भी क्लिक कर लूँगा क्लिक नहीं होगा जब तक आप ईमेल नहीं दोगे। उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूज़लेटर।
ठीक है, हम यहाँ पे न्यूज़लेटर अपनी ऑडियंस को न्यूज़लेटर देते हैं जिसमें हम महीने में 2 वीडियो उनको ईमेल करते हैं, अपनी मेरी जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं करता हूँ, जो हमारे क्लाइंट सक्सेस पा चुके हैं अपने फील्ड के अंदर या उनका कन्वर्जन ज़्यादा अच्छा हो रहा है उससे रिलेटेड हम लोगों को क्वालिटी ईमेल्स भेजते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं यहाँ पे न्यूज़लेटर हमारा एनरोल करा तो प्लीज़ जाके करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इस तरीके से हम भी ईमेल कलेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ईमेल कलेक्ट करना। ओके, अमेज़ॉन के आपके पास ईमेल ज़रूर आते होंगे, जब भी आप वेबसाइट पे जाते हो या कुछ परचेस करते हो, जब भी ईमेल आएगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आता है कि आपको ये प्रोडक्ट भी पसंद होंगे, आप इसके साथ ये ऐड ऑन कर सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग इतनी तगड़ी चीज़ है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें भेज सकते हो। बाय ईमेल डेटाबेस एंड सेंडिंग ईमेल, दिस इज़ स्पैमिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर से ईमेल उठा लिए, इधर से ईमेल उठा लिए और उस पर ईमेल मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जेल भी हो सकती है उस चक्कर में, क्योंकि वो ईमेल जो है ना एक बहुत पर्सनल चीज़ है। अगर उसने खुद से आके रजिस्टर करा, खुद से आके अपना ईमेल दिया, देन इट्स लीगल। अगर आप स्पैमिंग कर रहे हो डेटा खरीद के तो वो इल्लीगल होता है। ठीक है, किसी को भी ज़बरदस्ती ईमेल मत करना। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप डेटा परचेस करते हो उसके ऊपर ईमेल करोगे, आपका ना तो ओपन रेट आएगा ना लोग आपके ईमेल पढ़ने वाले, क्योंकि वो लोग मेरे पास आए हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, उनको पता है कि क्या चीज़ है, वो मेरा ईमेल खोलेंगे। लेकिन अगर मैं किसी को भी XYZ पर्सन को ईमेल कर दूंगा जो मुझे जानता नहीं, वो मेरा ईमेल भी क्यों खोलेगा और वो इंटरेस्ट भी क्यों दिखाएगा, तो कन्वर्जन के चांसेस जो होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। ओपन है जीमेल अकाउंट एंड सेंड ईमेल 200 to 500 पीपल इन अ डे, इट्स नॉट अ ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, अगर आप जीमेल अकाउंट खोला, आपने जीमेल अकाउंट खोल के 10-12 लोगों को मैसेज कर दिया, 200-300 मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, बेसिकली वो ईमेल मार्केटिंग नहीं है। ईमेल मार्केटिंग इज़ अ होल सम अ डिफरेंट गेम। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है, क्या मैच है ईमेल मार्केटिंग के पीछे। अब बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। एवरीवन यूज़ ईमेल, इफ़ यू हैव अ स्मार्टफोन ईमेल इज़ मस्ट। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसका ईमेल नहीं होगा। फेसबुक चलाते हो, ईमेल होगा, इंस्टाग्राम चलाते हो, ईमेल होगा, जीमेल चलाते हो, ईमेल होगा, कहीं भी चले जाओ, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, शॉपिंग करनी हो, मिंत्रा वगैरह, जहाँ पे भी, ईमेल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। फिर ये आधार कार्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईमेल, समझ रहे हो। आपने बचपन से लेके आज तक कितने नंबर बदल दिए होंगे, 2-3 नंबर बदल दिए होंगे, लेकिन याद करो आपने अपना ईमेल कब चेंज करा था। ईमेल आज भी आपका वही पुराना है जो आप पहले इस्तेमाल करते थे, तो समझ जाओ ईमेल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस, ठीक है, आप इससे अपनी ऑडियंस से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रीच कस्टमर्स इन रियल टाइम, ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हो। पीपल एंगेजिंग विद ईमेल, ईमेल के साथ कनेक्ट होते हैं लोग। इट्स ईजी टू मेजर, कि आप यहाँ पे सारे एनालिटिक्स देख सकते हो, सारी चीज़ देख सकते हो, कितना ओपन रेट है, कितना क्लिक है, सारी चीज़ें, और ये अफोर्डेबल है। ठीक है, और ये आपकी ब्रांड अवेयरनेस को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। दैट्स वाई ईमेल मार्केटिंग इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। हाउ टू फाइंड टारगेटेड ईमेल, आपको सही ईमेल किस तरीके से मिलेंगे। आपको पता है 5 महीने का जो हमारा डेटा है, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, हमारा 5 महीने का जो ईमेल का डेटा है वो है अराउंड 2 लाख से भी ज़्यादा का। अगर मैं आपको बताऊँ, टा टा टा, ये हमारी ईमेल लिस्ट है और इसमें कम से कम भी 2 लाख ईमेल का डेटाबेस अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो ईमेल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं, अब आप समझ गए होंगे कि हम कितने ईमेल कलेक्ट करते हैं, और ये सारा डिजिटल धैर्य का ईमेल का डेटा है। अब ये 1 लाख ही चल रहा है, ओके, खुलने में भी टाइम लगेगा। ये खाली हमारी एक लिस्ट है, ऐसी हमारी 3-4 लिस्ट है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कितने ईमेल हैं, यहाँ पे मतलब हमारे 2 लाख से भी ज़्यादा ईमेल। अगर मैं इसको इतना स्क्रॉल करता रहूँगा ना, उतना डेटा लोड होता रहेगा। अभी आप देखो यहाँ पे ईमेल आ जाएंगे थोड़ी देर में, अगर मैं करूँगा तो इसको, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप यहाँ देखोगे तो एक ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। ये हमारी ऐसी 3-4 लिस्ट है हमारी, अगर आप यू कैन इमेजिन कि कितना डेटा हम बिल्ड कर रहे हैं। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत तगड़ी चीज़ है, और आप इसको कहाँ से बिल्ड कर सकते हो, पेड ऐड के थ्रू। आप फेसबुक ऐड इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल ऐड इस्तेमाल कर सकते हो अपना डेटा बिल्ड करने के लिए। सोचो कि मैं अगर एक ईमेल लिस्ट को पुश कर देता हूँ अपनी, ठीक है, एक ईमेल डाल देता हूँ, ट्रैफिक की बाढ़ आ जाएगी। लोग मतलब अगर मैं एक वीडियो को पब्लिश करूँगा और मैंने बताया कि मेरा यूट्यूब पर वीडियो है,
30,000-40,000 व्यूज़ कहीं नहीं गए एक वीडियो के ऊपर, लेकिन हम उस तरीके से मार्केटिंग नहीं करते, हम लोगों को स्पैम नहीं करते, हम जो लोग हमारा जिस चीज़ से रिलेटेड आए हैं हम उसी चीज़ से रिलेटेड लोगों को कंटेंट देते हैं। आप समझ जाओ ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब का रीच आपके हाथ में नहीं है, इंस्टाग्राम का रीच आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ईमेल का रीच आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपके ईमेल है वो, समझ रहे हो। होस्ट कॉन्टेस्ट, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कि आप कोई भी इवेंट लॉन्च कर सकते हो, कॉन्टेस्ट लॉन्च कर सकते हो, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आएंगे, आपके कंटेंट को रीड करेंगे, अपना अगर इंटरेस्टेड होंगे तो अपना ईमेल भी डालेंगे। इस तरीके से आप अपना डेटाबेस को भर सकते हो। यूजिंग वेबसाइट और अ ब्लॉग, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अगर आप हमारी वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हम डेटा बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग हो गई, हमारे प्रोडक्ट हो गए, किसी को भी चाहिए तो ईमेल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बार बार मैं यही चीज़ें कहूँगा, और मैं आपको बता दूँ कि वेबसाइट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डेटा बिल्ड कहाँ से करोगे। अगर अभी तक आपने वेबसाइट नहीं बिल्ड करी है ना, प्लीज़ अभी के अभी जाके वेबसाइट बिल्ड करो। ऊपर आई बटन में पॉपअप होकर हमारा लेसन 3 आया है, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि ब्लॉग को किस तरीके से सेटअप करना है। उस वीडियो को ज़रूर जाके देखो और आज ही अपना ब्लॉग सेटअप करो। अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग के टूल के बारे में। कन्वर्टकिट है, एवेबर है, ड्रिप है, मेलचिम्प है, गेट रिस्पॉन्स है। मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली कन्वर्टकिट, ये मुझे आसान लगता है, अच्छा लगता है, और इसका यूआई एआई बहुत अच्छा है। आप आराम से आसानी से सारी चीज़ें देख सकते हो। हमारा नया अकाउंट है, डेमो अकाउंट है, इसलिए हमने ज़्यादा ईमेल इसमें रखे नहीं है। सो यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स हो गया, टाइप्स ऑफ ईमेल हो गया, वेलकम ईमेल हो गया, जैसे कोई आपका न्यूज़ लेटर लॉन्च हुआ तो, या आपके न्यूज़ लेटर के अंदर कोई भी आया आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को देख रहा है तो आप उनको वेलकम ईमेल भेज सकते हो कि कंग्रेचुलेशंस, यू हैव शोड योर इंटरेस्ट इन दिस, या कुछ भी आप उनको ईमेल भेज सकते हो। फिर उनको ऑफ़र वाला ईमेल दे सकते हो, आपने इसके इंटरेस्ट दिखाया था तो हमारा ऑफ़र चल रहा है, आप इसको परचेज कर सकते हो। न्यूज़ लेटर हो गया जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, अनाउंसमेंट ईमेल हो गया, कुछ भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है, ड्रिप मार्केटिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें हो गई। हाउ डज़ ईमेल मार्केटिंग इंप्रूव योर बिजनेस, कैसे इंप्रूव करेगा ईमेल मार्केटिंग आपके बिजनेस को? मेरे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा, आपको भी करेगा अगर आप ईमेल मार्केटिंग सही तरीके से करोगे। इंक्रीज योर सेल्स, सेल्स में मदद करेगा, बिल्ड आपका ब्रांड बिल्ड होगा, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपकी वेबसाइट होगी तो लोग आपकी वेबसाइट पाएंगे, ईमेल जाएगा तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश होती है आपकी मार्केटिंग के अंदर। अरे हमारे पास तो धैर्य का ईमेल आया था, अरे हमारे पास तो इसका ईमेल आया था, राइट। आप यहाँ पे अपने सोशल प्रूफ दिखा सकते हो, कोई आपका क्लाइंट हो गया, क्लाइंट को रिजल्ट आया, आप वो चीज़ें बिल्ड करके और कस्टमर ले सकते हो। आप लोगों को टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हो यहाँ पे, आप लोगों को अपना कंटेंट दिखा सकते हो, तो यहाँ से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग आपके पास आते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज आपके खरीदना पसंद करते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर्स बेसिकली होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ और एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ। एक सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा ईमेल का। अगर आपने मेरा न्यूज़ लेटर, फॉर सपोज़ करो आप इस वाले प्रोडक्ट के अंदर आते हो मेरे, या आप इस न्यूज़ लेटर को एनरोल करते हो, तो मैं एक सीक्वेंस बिल्ड करूँगा जो ऑटोमेटिकली आपको हर दिन एक एक ईमेल भेजेगा। तो सीक्वेंस बेसिकली ये होता है, जैसे मैं आपको अपनी मास्टर क्लास का दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये ईमेल आपको एक एक दिन बाद जाते हुए दिखाई देंगे। ये जितने भी आपको ईमेल दिखाई दे रहे हैं, हर ईमेल अलग अलग है, हर दिन आपको अलग एक वीडियो के साथ एक ईमेल मिल रहा है मेरा। तो ये यहाँ पे मैं सारे टेस्टिमोनियल भी दिखा रहा हूँ कि अपने हमारे स्टूडेंट ने ये रिव्यू दिया है, 5-star रेटिंग दी है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। और ये ऑटोमेटिकली जाएगा जिस दिन उसने एनरोल करा, उसके एक एक दिन बाद, एक एक दिन बाद ईमेल जाते रहेंगे उसको, ठीक है। हर एक दिन के गैप में जाते रहेंगे, हर दिन जाते रहेंगे, आपको किस घंटे भेजा, सारी चीज़ आप शेड्यूल कर सकते हो। हेल्प टू नर्चर योर लीड्स, आपकी लीड इससे नर्चर होती है, जब वो इतना ज़्यादा आपका कंटेंट देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, प्रूफ देखेंगे, टेस्टिमोनियल देखेंगे, ऑब्वियसली वो कन्वर्ट होगी, राइट। सेव लॉट्स ऑफ योर टाइम, आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचता है कि अगर आप इंडिविजुअल किसी से बात करते हो तो ये ऑटोमेशन पे सारी चीज़ें चल रही है, तो आपको अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और लोग आपका कंटेंट भी देखते रहते हैं। ईमेल मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड गोल इज़ कन्वर्जन एंड ROI, ठीक है। हमारा मेन जो चीज़ है वो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने ईमेल लिखे और कितना ओपन रेट आया, क्या क्या सारी चीज़ें कही। अगर मैं आपको बता दूं कि ये मेन चीज़ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, कि आपने 10,000 ईमेल भेजे तो कितने कन्वर्ट हुए, आपने बेसिकली ईमेल कितने लोगों ने खोला। तो मैं आपको एक ऑटोमेशन दिखा देता हूँ, विजुअल ऑटोमेशन। अगर हमने ना इस तरीके से जो हमारा फेसबुक ऐड चलता था, तो जो आपने लीड्स देखी, हमने फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट करी, और कैसे करी, हमने ये ऑटोमेशन बिल्ड कर रखा। हमारी जो मास्टर क्लास में आता था,
फॉर एग्जाम्पल वो किसी यहाँ पे टैग में चाहता था, अभी हमने ऑटोमेशन डिलीट करके किया हटा रखा है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्टेप को भी एडिट करूँगा तो यहाँ पे कोई भी हमारा किसी भी उसमें जाएगा तो हम यहाँ पे कोई भी टैग लगा देते जिसमें ईमेल जाएगा। उसके बाद अगर वो उस ईमेल के अंदर आता है, सीक्वेंस के अंदर आता है, उसके बाद हम उसको सीक्वेंस भेजना स्टार्ट करते हैं। अगर वो कन्वर्ट होता है तो हम उसको यहाँ पे लेके आते हैं, नहीं तो एंड ऑफ ऑटोमेशन हो जाता है जो भी हमारे सीक्वेंस चल रहा है। तो ये ऑटोमेशन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर जैसे हमारे पास 2 लाख ईमेल है, 2 लाख ईमेल मैंने सेंड करे, उसमें से हार्ड बाउंस होगा, सॉफ्ट बाउंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस तरीके से मैंने आपको ये सीक्वेंस दिखाया अभी। तो यहाँ पे डिलीवर हुआ, कितने लोगों ने खोला, कितने लोगों ने नहीं खोला, अगर यूनिक क्लिक आए, यूनिक क्लिक आए, तो हम इस तरीके से ऑटोमेशन बिल्ड करते हैं। और उसका एंड में कन्वर्जन कितना होता है ये भी 7 डेज़ के इसमें सीक्वेंस आपको मिलेंगे, 15 डेज़ के सीक्वेंस आपको मिलेंगे। और अगर कन्वर्जन भी होता है, सोचो अगर आपका प्रोडक्ट 10,000 का है और मैं 2 लाख ईमेल भेजे, ठीक है, और मेरे 20 लोग भी कन्वर्ट होते, तो सोचो मैं कितना कमा लूँगा। मैं ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए कमा लूँगा एक ईमेल के थ्रू, एक ईमेल सेंड करना, मुझे क्लिक करना, और मैं 2 लाख रुपए आराम से कमा सकता हूँ। लेकिन आपका प्रोडक्ट सर्विसेज वो उस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। मैं तो क्लिक थ्रू रेट बहुत कम लेके चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट क्लिक थ्रू रेट आपका अच्छा खासा ओपन रेट आता है, 20% के आसपास आपका पहुँच जाएगा अगर आपकी हेडिंग्स वगैरह बहुत अच्छी होंगी। तो अब बात कर लेते हैं ईमेल मार्केटिंग टिप्स के बारे में। लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग क्लिक वर्दी सब्जेक्ट लाइन। आपकी सब्जेक्ट लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि लोग देख के एकदम उसको खोल दें। ये आर्ट आपको खुद सीखना पड़ेगा। जैसे न्यूज़पेपर में होता ना, अच्छी अच्छी हेडिंग्स होती हैं, आप देख के तुरंत पढ़ना स्टार्ट करते हो। यूज़ ऑटोमेशन टू ट्रांसफॉर्म योर सिस्टम एंड कंप्लीट ऑटो पायलट मोड। जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये चीज़ दिखाई है ना, अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो ये हमने पूरा ऑटो पायलट मोड पर बना रखा है, ठीक है, जिस तरीके से हमने ऑटोमेशन इस्तेमाल करी है। यूज़ डबल ऑप्शन टू इम्प्रूव योर ईमेल डिलीवरेबिलिटी। बेसिकली वो बोलता है कि अगर आपके प्रोडक्ट पेज लैंडिंग पेज पे कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उनसे डबल सब्सक्राइब कराओ, डबल ऑप्टेन कराओ, कि जैसे उसने वहाँ पे क्लिक करा तो ईमेल पे जाके वेरिफिकेशन करे, वहाँ से रीडायरेक्ट हो वो दूसरे पेज पे। तो इसलिए ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 3 ईमेल्स इन अ वीक, वीकली आपको 3 ईमेल सेंड करने ही पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। प्रोवाइड मोर वैल्यू थ्रू ईमेल्स। ईमेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा न्यूज़लेटर एनरोल नहीं करा है तो प्लीज़ यहाँ पे जाके भरिए, और हमारे अच्छे अच्छे ईमेल्स भी आपके पास आने स्टार्ट होंगे। जो भी कंपनी के अंदर चल रहा है, जो भी टेस्टिमोनियल एक्सपीरियंस है, स्टोरीज है, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ना, वो लैंडिंग पेज से रिलेटेड होने वाला है, कि इस तरीके के सुंदर लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाए जो हाईली कन्वर्टेबल होता है, हाईली कन्वर्टेबल होता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेल्स के ऊपर होने वाला है कि आप सेल्स किस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि ये लैंडिंग पेज मुझे करोड़ों रुपये बना के दे रहा है महीने के, आप समझ रहे हो, करोड़ों रुपये हम जनरेट कर रहे हैं इन लैंडिंग पेज से। सो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज़ अभी के अभी जाके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स पीडीएफ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आई होप गाइस आप लोगों को पता चला होगा कि ईमेल मार्केटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है और मेरा फेवरेट टॉपिक है लैंडिंग पेजेस। ऐसे क्या लैंडिंग पेजेस बनाएं जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो या अपनी कंपनी को बहुत ग्रो कर सकते हो। सिंपल वेबसाइट बना के, सिंपल फनल बना के हमने लाखों करोड़ों का बिजनेस करा है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फनल के बारे में बात करने वाले हैं, जो लैंडिंग पेजेस होते हैं बेसिकली, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बताया गया। अगर आपको वो वीडियो को मिस नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, लेसन मिस कर दोगे, डिजिटल मार्केटिंग सीख नहीं पाओगे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।